के बब्बर शेर ने किया बड़ा दावा, बोले कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया। उत्तराखंड की राजनीति में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। अब आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर 70 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सके। आपके प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले को जनता के बीच में ले जाकर उजागर करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर हमें जिम्मेदारी मिली है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा में प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाए। आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले को जनता के बीच में ले जाकर उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, ताकि लोग समझ सके कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया है। अगर दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू होगा तो यहाँ के बच्चे पलायन नहीं करेंगे, यहीं पर अच्छी शिक्षा भी होगी और नौकरी भी मिलेगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।